नमस्कार जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, विराट हिंदुस्तान संगम के तरफ से आपके स्वागत है जी। मैं आपको पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि हम सब डॉक्टर स्वामी एक लेखक मिस कर रहे हैं जी, तो हम कब आपसे एक और किताब देखें। पुस्तक लिखने की जो बात है उसमें समय का केंद्रीकरण होना चाहिए, माने आप एक जगह में बैठ के कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी का साथ यानी कोई अपॉइंटमेंट्स किसी का नहीं, कोई अब राजनीति में कोई भी आ जाता है यहाँ अपॉइंटमेंट के बिना, और फिर हम उनको भगा भी नहीं सकते, तो उनको कहना चाहिए भाई हम घिसते हैं तो बताइए क्या बात है, और या फोन टेलीफोन आते हैं, इस प्रकार की सारी चीज़ से मुक्त होकर एक जगह में बैठ के लिखने की जब मौका है तभी हम पुस्तक अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जब एक उलझन था और एक हीन भावना थी हिंदुत्व के बारे, तब मैंने समझा कि इसको एक विराट तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, यानी जिनको जिसको कहते हैं विदाउट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, माने हीन भावना के बिना एक आत्मविश्वास के साथ। तब मैंने वो पुस्तक के लिए मैं अलग से बैठा टाइम में और किसी और चीज़ को मैंने देखा नहीं और मैंने पुस्तक लिखी। अब क्या हो गया कि पुस्तक के कई पुस्तकों को लिखने के बाद अब क्या है कि मैंने देखा कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए सरकार करना कठिन है, बट कोर्ट के जरिए कर सकते हैं, और भ्रष्टाचार के लिए तो खास तौर पर कोर्ट ही रास्ता है। तो कोर्ट में फिर लोग सुनने चाहते हैं, नहीं तो भीड़ यहाँ आ जाती है, तो हमें दौरा करना होता है, बहुत बड़ा देश है, तो ये सारी चीज़ों में जब समय का वितरण हो जाती है तो पुस्तक लिखने के लिए वो वातावरण नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि अब पुस्तक काफ़ी लिख के ये सब करूँगा, जब हमारे 3-4 और इम्पोर्टेंट कोर्ट केसेस ख़त्म हो जाएंगे और दौरा भी बहुत एक हद तक हो जाएगी, पर्याप्त हो जाए, तब मैं फिर बैठूँगा और पुस्तक लिखूँगा। और तो ये तो पुस्तक भी लिखूं, दौरा भी करूं, कोर्ट में भी जाऊं, ये संभव नहीं है। मेरा प्रश्न ये इसलिए मैंने पूछा था कि आपका जो काम था गैट जी 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 जो 1990s में आपने जी जी अंडर जी पीवी नरसिम्हा जी, वो एक बिल्कुल ब्यूटीफुल एक रोड मैप बनी थी, ब्लूप्रिंट बनी थी, जी जी, जिसके जरिए मनमोहन सिंह काम करते गए और देश को काफी हद तक उन्नति मिली। तो मैं थोड़ी सी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो जीएचएस ट्रेनिंग कैंप में भी कई लोगों से बात की, यही लगता है कि कहीं वो बिग पिक्चर की जो नहीं, वो ये आपको जानना चाहिए कि राजनीति में गद्दी में बैठ के पुलिस का सलूट और बड़ा सरकारी मकान और गाड़ी और समाज में सब लोग साष्टांग दंडवत कर रहे, ये तो एक नशा है। तो उसके लिए लोग जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब वो देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़े योग्य है तो डर जाते हैं कि वो हमें पीछे छोड़ देगा, तो उसको टांग खींचने में लगे रहते हैं। मेरी समस्या यही हो गई कि मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर रहा, पुस्तक में लिखा हूँ, अब मैंने दिखा दिया है कि जो मैं मन बनाऊंगा करने के लिए कर देता हूँ, जैसे राम सेतु को बचाने की बात थी, सब फेल हो गए थे तब मैं आया और कर दिया, और इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए मैंने दस्तावेज तैयार की। तो आज के परिस्थिति में जो योग्य व्यक्ति हैं उनके लिए एक समाज में या जो राजनीति में है वो ईर्ष्या होती है, वो करने नहीं देते। तो जिस कर्मकार के मौका में मैं उस समय था, क्योंकि मैंने वीपी सिंह सरकार को गिराई, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाई, तो चंद्रशेखर मेरे बिना तो चल नहीं सकते थे, नहीं तो मैं प्रधानमंत्री भी नहीं होते। राजीव गांधी तो चाहता था मैं प्रधानमंत्री बनूं, परंतु मैंने वचन दे दिया था चंद्रशेखर को मैं बनाऊंगा, मैंने सोचा इसके बाद मैं बनूंगा, बट वो बीच में वो अहंकार में गिर गए। तो उसके बाद नरसिम्हा राव आए, उन्होंने मुझे पूरा छूट दिया, और मनमोहन सिंह इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग किया, तो हम लोग कर सके। आज के परिस्थिति में
आज की अपनी अभी जो सरकार है इसमें हमारे लोग कई डरते हैं कि भाई ये आ जाएगा, बाप रे भाई ये सबका पोल खोलेगा, सबका बैंक अकाउंट खोल देगा, हम सबको जेल भेज देगा, वो एक डर आ गए तो वो हमें आने नहीं देते। तो आज की परिस्थिति में राजनीति में बहुत कम लोग अपना जो करियर है उसको त्याग करके आते हैं, वो कोई ज़्यादातर लोग हैं जो कुछ नहीं और कर सकते हैं तो इसमें पड़ जाते हैं, तो फिर आने के बाद वो दूसरे को आने नहीं देते। इसीलिए आप थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा, हमारी समाज बढ़ रही है, दूसरे जो अगल बगल देशों से तो हमारी देश बहुत ही आगे, हजार गुना बेटर है। तो हम लोगों को धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना है। धन्यवाद डॉक्टर स्वामी जी।